नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। आज हम आपको पेपर पे ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो उसके लिए मैंने ये न्यूज़पेपर लिया हुआ है, एक पूरा पेपर लिया है और उसको इस तरह से हाथों से प्रेस करके रख लेंगे। फिर हम इंची टेप की हेल्प से जो भी हमें चेस्ट रखनी है, यहाँ मैं 36 की चेस्ट के हिसाब से मार्क कर रही हूँ, तो मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया। और साथ ही साथ इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, वैसे 1.5 इंच इनफ है। और इसकी लेंथ हम लेंगे 16 इंच, तो मैंने 16 इंच पे मार्क कर लिया। इधर हम साइड में मार्क करेंगे, इस साइड और इस साइड भी मार्क कर लेंगे, इसमें दोनों साइड ही मार्क कर लेंगे यहाँ पे 16 इंच पे। और अब हम इसमें निशान लगा देंगे, लाइन खींच देंगे, जिससे कि ये हमारा हमें पता चल जाएगा इतना पेपर निकालना है मुझे इसमें से। तो यहाँ पे नीचे लाइन खींच दी है मैंने, अब साइड की लाइन खींच देंगे। तो यहाँ देखिए साइड में भी लाइन खींच दी है और अब हम इसमें निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच से 0.5 इंच मैंने कम लिया है और ये 3 इंच का शोल्डर रखा है और 3.5 इंच मैंने नेक विड्थ रखी है और 6 इंच की नेक डीप रखी है। और 6.5 इंच पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों तरफ इसमें हम बॉक्स बना देंगे इस तरह से। ये दोनों साइड बॉक्स बना देंगे और जो हमने हाफ इंच पे निशान दिया था शोल्डर डाउन का, वहाँ पे भी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और अब हम इसमें इंची टेप की हेल्प से प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को यहाँ नेक के पास से सीधा रखते हुए हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और फिर इंची टेप को हल्का सा तिरछा करते हुए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए आप ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरह से रखा है, 2 इंच पे मार्क किया और फिर उसी मार्क के ऊपर से हम फिर इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 4 डॉट्स रखने हैं 2-2 इंच पे, जिनका पूरा टोटल चारों के बीच में 2 इंच का गैप आएगा। और यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क कर लिया नीचे की साइड और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम इसमें स्केल से ये चारों प्लेट्स के लिए निशान लगा देंगे। तो ये मैंने जो 10.5 इंच पे निशान लगाया था वो लाइन खींच दी, फिर जो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया था और नीचे 4 इंच पे लगाया था वहाँ पर भी लाइन खींच देंगे। और ये जो अभी यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है, तो 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा के आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे शेप दे रहे हैं हम। अगर जो आपसे नहीं बन रहा है आप पेपर को घुमा लीजिए, पेपर को ही घुमा सकते हैं, फैब्रिक को नहीं घुमाइएगा। फैब्रिक के लिए आपको खुद घूमना पड़ेगा। और यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और नेक के लिए इसमें गोलाई दे देंगे, ये नेक की गोलाई दे दी। और अब हम जो दो प्लेट हमारी छूट गई हैं उनके वो निशान लगाएंगे, उनके लिए लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन खींच दी और जो 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर भी लाइन खींच देंगे। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स इस तरह से बन के आई हैं और यही एग्जैक्ट है, इसमें बिल्कुल सही तरीका है ये, किसी भी नाप का आप लगा सकते हैं। और अब पेपर कट करने वाली सीजर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर हमारी कटिंग लगभग हो गई है और अभी जो शोल्डर डाउन दिया था उसकी भी कटिंग कर देंगे और अब नेक की कटिंग करेंगे।
ये हमारे पेपर ड्राफ्टिंग की कटिंग हो गई है। अगर जो है आपको ये निशान साफ नहीं दिख रहे हैं तब इसको मैं और डार्क कर देती हूँ। अगर जो आपके पास मोटा मार्कर है तो आप उससे निशान लगाएंगे तो आपके ज़्यादा डार्क होंगे। मैंने स्केच पेन से लगाए हैं इसलिए मुझे बाद में इसे डार्क करना पड़ रहा है। इस तरह से इसको डार्क कर देंगे तो साफ दिखाई देंगे और भी। सो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज आप किसी भी नाप से बना सकते हैं, जो भी आपका नाप हो, प्लस 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा कर दीजिए। और ये जो चार प्लेट्स हैं उसमें 2-2 इंच का, सभी इन चारों प्लेट में 2 इंच का गैप होना चाहिए चारों के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।